हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, मिका सिंह पाजी एंड तौसीफ साबरी का एक वीडियो आया सामने। दोस्तों, आपको बता दूं कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बोले तो क्यारके को बहुत अच्छी तरह से धोया है। आपको बता दूं कि तौसीफ साबरी ने यहाँ तक बोल दिया है कि मेरे को फ़ोन करके क्यारके ने बोला है कि क्या मेरे लिए आप गाना गा रहे हो। तो हमारे जो तौसीफ साबरी हैं उन्होंने ऑलरेडी बिट भी रेडी कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि बिट उनका रेडी हो चुका है। कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी जिसमें उनका एक बिट था, म्यूजिक था कुत्ता वाला, और बोले तो वो बिट रेडी हो चुका है दोस्तों। और आपको बता दूं कि मिक्का सिंह जो थे हमारे उन इंटरव्यू में बहुत बोले तो डेंजरस डेंजरस बातें कही हैं हमारे क्यारके अंकल के बारे में। पहले तो उन्होंने नम डायरेक्ट बोला क्यारके कुत्ता, क्यारके कुत्ता 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 क्यारके कुत्ता, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि वहीं पर वो गाना गा देंगे पूरा। जो हिसाब से वो बोल रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि गाना ही गा देंगे वो। फिर उसके बाद वो बोल रहे थे, इंटरव्यू में पूछा गया कि यहाँ पर क्यारके का घर है, तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ पर क्यारके का घर था, वो ऑलरेडी बेच के भाग गया है। तो वो यहाँ तक कि अपने जो मिक्का सिंह पाजी है यहाँ तक कि वो बोल दिया कि क्यारके हमारा बेटा है, हमेशा सनी रहेगा, वो जितना भी उड़ लिया आसमान में वो बेटा ही रहेगा मेरा। तो बोले तो एकदम सीधा निशाना जा रहा है दोस्तों, बोले तो एकदम जो बोलते हैं ना गुस्से से लाल होना, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मिक्का सिंह पाजी हैं वो गुस्से से लाल हैं और क्यारके के ऊपर बोले तो डायरेक्ट निशाना साध रहे हैं और लगातार निशाना साध ही रहे हैं। तो दोस्तों बोले तो ये जो बिट रेडी किए हैं ये लोग सारे तीनों मिल के, मिक्का सिंह पाजी एंड तौसीफ साबरी, ये सब जो मिल के वो जो म्यूजिक जो बिट तैयार हुआ है, मैंने सुना था दोस्तों म्यूजिक बहुत बोले तो हार्ड है, बोले तो ख़तरनाक है। तो सोचो अगर बिट इतना ख़तरनाक है तो गाने आएगा तो कितना ख़तरनाक होगा। खैर, मिक्का सिंह पाजी बहुत चीज़ ऐसे बोले हैं दोस्तों, बहुत चीज़ ऐसी बोले हैं बातें क्यारके के बारे में, मतलब कि साफ जाहिर हो रहा है कि क्यारके के खिलाफ जितना जहर उनके अंदर भरा है शायद सलमान खान के भी अंदर उतना जहर नहीं है, जो हिसाब से मिक्का सिंह पाजी बोल रहे हैं। खैर, इनका जो सॉन्ग है बोले तो क्यारके कुत्ता हैशटैग, पता नहीं कब रिलीज होने वाली है, लेकिन लास्ट में मीडिया वाले ने सवाल पूछा उनसे कि ये सॉन्ग कब तक रिलीज होगी, तो हमारे मिक्का सिंह पाजी का एक ही जवाब था, बस तौसीफ साबरी जब म्यूजिक पूरा बोल रेडी कर देंगे उस दिन सॉन्ग रिलीज हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये सॉन्ग बहुत जल्द आने वाले हैं और आप कितना एक्साइटेड हो क्यारके कुत्ता सॉन्ग सुनने के लिए, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, क्यारके का लेटेस्ट खबर आपको बॉलीवुड मैटनी वर्ल्ड पर मिलते ही रहेगा और मिलते रहेगा, क्योंकि हमारी नज़र है क्यारके के ट्वीट पर और मिक्का सिंह की ट्वीट पर। तो बस भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।